हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और एजुकेटर रुपेश कुमार। आज हमारा जो टॉपिक है, जो हम सीरीज़ कंप्लीट करने जा रहे हैं, केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैस, जो बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, ठीक है। बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में हम यूनिट 5 से रिलेटेड हम टॉपिक पर डील कर रहे हैं। उसमें हम देखेंगे कंपाउंड्स ऑफ ज़िनान। तो कंपाउंड्स ऑफ ज़िनान में हम तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड किए हैं, फ्लोराइड्स में, ऑक्साइड्स में और ऑक्सी फ्लोराइड्स में। तो फ्लोराइड्स में देखते हैं ज़िनान F2, ज़िनान F4 और ज़िनान F6 के बारे में, और ऑक्साइड में ज़िनान O3, ज़िनान O4 और इसमें ज़िनान O2, F2, ज़िनान O4, O4। तो इस वीडियो लेक्चर में हम फ्लोराइड्स के बारे में क्लियर करेंगे इन तीनों को, ज़िनान F2, F4 और F6 के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्साइड और ऑक्सी फ्लोराइड को कम्प्लीट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा लेते हैं ज़िनान ऑक्सी फ्लोराइड का ज़िनान। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे ज़िनान F2, ठीक है। ज़िनान F2 सबसे पहले इसका देख लेते हैं प्रिपरेशन। इसका प्रिपरेशन हम समझ लेते हैं क्या है। इसमें ज़िनान तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा है वो है ज़िनान F2, ठीक है। ज़िनान F2 में देख सबसे पहले समझते हैं हम प्रिपरेशन, देखते हैं ज़िनान F2 का। तो ज़िनान प्लस F2 लेते हैं लाइट के प्रेजेंस में, हाई प्रेशर में, Hg वेपर के साथ, मरकरी वेपर के साथ। तो हमें क्या मिलता है, ज़िनान F2 का प्रिपरेशन हो जाता है। तो इस टाइप से आप याद रखेंगे, एक दो प्रिपरेशन अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप इसी वे में लिख सकें, बाकी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, वो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसके बारे में डिटेल से समझेंगे। इसको आप सिंपली वे में याद रखेंगे, ज़िनान F2 निकल के प्रेजेंस में अगर 400 डिग्री सेल्सियस हीट करते हैं तो भी ज़िनान F2 प्रिपरेशन हो जाता है, ये भी देख सकते हो। प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, ये एक तीव्र गंध वाला गैस है, सॉरी ठोस है, और ये रंगहीन होता है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ज़िनान F2 को अगर हम हाइड्रोजन के से रिएक्शंस कराते हैं तो ज़िनान अलग हो जाता है और एक HF बन जाता है। वैसे इसको वाटर से रिएक्शंस कराते हैं ज़िनान F2 को तो HF बन जाता है और ज़िनान अलग हो जाता है फिर, और एक ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। थर्ड, ज़िनान F2 को ज़िनान और F2 से रिएक्शंस कराते हैं तो क्या बनता है, ज़िनान F4, और उसमें अगर फ्लोरीन देते हैं तो बन जाता है ज़िनान F6। तो ये वाला तो प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ में याद रखेंगे। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा जो कि इम्पॉर्टेंट है वो हम समझते हैं। ज़िनान F2, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे इसका, हम ज़िनान का ग्राउंड शेल, ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और हम देखते हैं क्या होता है 5s और 5p और 5d। तो 5s हो गया, 5p हो गया, 2, 3, ठीक है, 5s, 5p और 5d होता है ना। ज़िनान का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 5s2, 5p6 और 5d0, कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2। यहाँ पे कितने 6 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये हो गया ग्राउंड। अब हम देखते हैं एक्साइटेड कराते हैं इसको, एक्साइटेड स्टेट में या फिर उत्तेजित अवस्था में इसका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हम देखेंगे। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ चला जाता है, तो क्या हो जाएगा, 5s में उतना ही इलेक्ट्रॉन है, 5p में कितना था पहले 6 था, अब कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 और 5 हो जाएगा, और एक कहाँ चला गया, डी में चला गया, कहाँ चला गया, डी में चला गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमारे को बनाना है क्या, हमें ज़िनान F2 बनाना है, मतलब फ्लोरीन को हमें यहाँ पर लेके आना है। तो क्या होगा, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2, 2s2 और 2p5। तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, इसको शेयरिंग कर लेगा,
ऐसे एक और फ्लोरीन एटम है ना, वो भी 1s2, 2s2 और 2p5। इनके वैलेंस में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हो आप, 7 इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस में। तो एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे, ये लोग पेयर कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे दो फ्लोरीन के, तो यहाँ पे क्या होगा, एक फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा और एक फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा। तो पूरा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। क्या ऑर्बिटल कौन कौन से भाग ले रहे हैं, 5s, 5p और 5d। तो s कितने हैं यहाँ पे, एक s है, p 3 है और एक d है। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d। क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए था, अगर sp3d होता है तो जो हम बोलते हैं डायरेक्टली, जो इसका इसका संरचना होता है क्या होता है, संरचना होना चाहिए क्या होगा, वो ट्राई गोनल बाई पीरा बाई पीरा मिडल। हिंदी में क्या बोलेंगे, त्रिकोणी द्वि पिरामिडी है। क्या बोलेंगे, त्रिकोणी द्वि पिरामिडी। होता क्या है, यहाँ पे समझ में आ गया, तो ये जो अर्धपुरी थी, यहाँ पे जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था। इस ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग किसके साथ हुआ है, तो फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल के साथ, ठीक है, किसके साथ हुआ है, तो फ्लोरीन के दो परमाणु के, फ्लोरीन के क्या है, देखो एक परमाणु, दो परमाणु के पी ऑर्बिटल का अतिव्यापन किसके साथ हो रहा है, ज़ीनान के हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन के साथ, हाफ फील्ड सेल के साथ बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग या अतिव्यापन किसके किसके बीच हुआ, तो पी ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोरीन एंड किसके बीच हुआ, तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ ज़ीनान, ज़ीनान के हाफ फील्ड के साथ पी ऑर्बिटल्स फ्लोरीन का क्या हुआ, ओवरलैपिंग हुआ। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, 5sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, कितने बने, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, ठीक है। तब इतना पॉइंट अपने आंसर से आंसर में लिखेंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि यही पॉइंट है जिसको आपको बताना रहता है कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट किए हैं, मतलब फॉर अतिव्यापन में भाग लिए हैं। तो ये दोनों आप बोल दो, हाफ फील्ड ऑफ ऑर्बिटल जो ज़ीनान के, जैसे ये हाफ फील्ड था, ये भी हाफ फील्ड था ज़ीनान के ऑर्बिटल्स, और ये फुल फील्ड इसके जो शेयरिंग हुआ इनके बीच। तो जब से क्या बना है, ज़ीनान F2 बना है, जिसका स्ट्रक्चर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, अगर हम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की बात करें तो क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे दिखते हो, ये मान लो मेटल है हमारा, इस टाइप से स्ट्रक्चर बनना चाहिए था, है ना। बट होता क्या है, आप देख रहे हो जैसे कि यहाँ पे कितने लोन पेयर है, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर और तीन लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है, ऐसा इलेक्ट्रॉन युग्म जो बॉन्ड बनाने में फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। देखो ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन बस पार्टिसिपेट कर रहा है, एक अर्धपूरित वाला, बट ये क्या है, एक लोन पेयर के फॉर्म में है। तो कितने लोन पेयर हैं यहाँ पे, लोन पेयर कितने हैं यहाँ पे, 3 बोलेंगे, और बॉन्ड पेयर 2, एक बॉन्ड पेयर ये है, एक बॉन्ड पेयर ये है, और बाकी ये तीनों क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। लोन पेयर कितने हैं, 3 है, बॉन्ड पेयर 2 है, ठीक है। अब तो ये पहला पॉइंट हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाने में यूज़ करेंगे। तो अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं ज़ीनान का, तो एक लोन पेयर यहाँ पे हो जाएगा। हमेशा आप याद रखेंगे लोन पेयर को आप एक्सियल में रखेंगे, ठीक है। लोन पेयर किस में रखेंगे, एक्सियल में रखेंगे, क्योंकि वो स्टेबल फॉर्मेशन होता है, ठीक है, लोन पेयर हो गया, ठीक है। और दो जो फ्लोरीन है वो इस, देखो ये वाला पोजीशन को क्या बोलते हैं, ये एक लोन पेयर है,
ये भी एक लोन पेयर है, ये भी एक लोन पेयर है। एक इसमें है इक्विटोरियल पोजीशन पे, लेकिन जब फ्लोरीन है यहाँ पे, क्लोरीन है यहाँ पे, क्लोरीन एक इसमें है एक्सियल पोजीशन में। तो आपको स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, अगर इस स्टेट है ये तो कैसा दिख रहा है, 180 डिग्री है ना। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, लीनियर। तो बोलते क्या है, अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछे, संरचना पूछे हिंदी में, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बट आपसे शेप पूछे, आकृति, शेप या फिर आकृति पूछे, तो आप क्या बोलोगे, लीनियर। हिंदी में क्या बोलेंगे, रेखी। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, त्रिकोणी द्वि पिरामिडी, ठीक है, त्रिकोणी द्वि पिरामिडी, जबकि इसमें क्या होगा, रेखी होगा। समझ में आ गया यहाँ तक। अब इतना पॉइंट ज़ीनान F2 के बारे में याद रखेंगे। अब आगे हम देख लेते हैं ज़ीनान F4, इसका भी प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो ज़ीनान प्लस 2 F2 लेते हैं, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिए और 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे करते हैं, तो क्या बन जाता है, ज़ीनान F4 बन जाता है। मतलब इसे क्वांटिटी को बढ़ा दिया और टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो ज़ीनान F4 बन जाएगा, ठीक है, प्रिपरेशन हो गया। अगर इसके हम प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ में एक दो आपको प्रिपरेशन में एक दो प्रॉपर्टीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है, जिससे अगर क्वेश्चन आता है, दो गुण लिखिए, दो प्रॉपर्टीज़ लिखिए, अब क्या करोगे, इजी वे में लिख पाओगे, ठीक है। ये हो गया एक, दूसरा हो गया ज़ीनान F4 में अगर हम प्लेटिनम से रिएक्शंस करा देते हैं, तो क्या बन जाता है, ज़ीनान अलग हो जाता है और प्लेटिनम F4 बन जाता है। वैसे अगर ज़ीनान F4 का रिएक्शन हम किससे करा दें, 12H2 मतलब वाटर से रिएक्शंस करा दें, तो क्या बनता है, एक ऑक्सीजन बन जाता है प्लस ज़ीनान O3 बन जाता है। ये बता दूं आपको, ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजी होता है, हिंदी में बोलेंगे तो विस्फोटक कंपाउंड बनता है ज़ीनान O3। आगे हम इसका सिंथेसिस देखेंगे, तो ये वाला सिंथेसिस को हम यूज़ करेंगे जब इसके बारे में पढ़ेंगे, ज़ीनान O3 के बारे में, ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे ज़ीनान के। और क्या बन जाता है, 4 ज़ीनान प्लस 24 HF। तो इतना सारा कंपाउंड हमारा बन गया, समझ में आ गया। ये फिर ये हो गया इसका प्रॉपर्टीज या गुण के बारे में, है ना। अब हो गया प्रिपरेशन या फिर सर सिंथेसिस के बारे में, ये हो गया। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, सेमी है ज़ीनान का, क्या होगा ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, अभी जैसे पढ़े हम लोग वही चीज़ इसमें भी यूज़ करेंगे। ज़ीनान इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2, कितने होता है पी में, 3, तो 1 2 3 4 5 6, और डी क्या है, अभी खाली पड़ा हुआ है, ये क्या है, 5s 5p 5d, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, जब इसको हम उत्तेजित अवस्था में करेंगे, है ना, हिंदी में बोलते हैं उत्तेजित, तब क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, फिर एक और उत्तेजित अवस्था में कराएंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ चला जाएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, इसमें कितना हो गया, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो गया, और डी में कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, 1 और 2। तो कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गए, अर्धपूरित ऑर्बिटल हो गए, 1 2 3 4, तो ये 4 ऑर्बिटल क्या हो गए हमारे, अर्धपूरित है, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है, अर्धपूरित है, ठीक है। तब क्या करेंगे, इसी में जो फ्लोरीन है, इसमें बताया था फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p 5 होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो ये क्या करता है, फ्लोरीन इसके साथ आ करके बॉन्डिंग बना लेता है, क्या करता है, बॉन्डिंग बना लेगा इसके साथ, है ना। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसे इसी वे में क्या होगा समझ में आएगा, ठीक है। तो एक फ्लोरीन यहाँ पे आ गया, एक फ्लोरीन यहाँ पे आ गया, एक फ्लोरीन यहाँ पे आ गया और एक फ्लोरीन यहाँ पे आ गया, उत्तेजित अवस्था में होने के बाद
तो क्या हो गया, ऐसा फ्लोरिंग यहाँ एक एक करके यहाँ पे आ गए, तो पूरा हाइब्रिडाइजेशन में कहाँ से कहाँ तक पार्टिसिपेट किया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो कितने एक एस ऑर्बिटर है, 3 पी ऑर्बिटर है, और कितना डी ऑर्बिटर, 2 डी ऑर्बिटर है। ठीक है, तो इसमें अब अगर ओवरलैपिंग पूछा जाए आपसे, ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग किसके किनके बीच हुआ है, तो और हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोरीन और हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल्स हैं इसके जीनॉन के, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ जीनॉन के बीच ओवरलैपिंग हुआ है। तो कितने और कितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट किए, 1 2 3 4 5 6। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 6 sp3 d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ, कितने, 6। तो यहाँ पे ओवरऑल हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ इसका, हाइब्रिडाइजेशन या फिर क्या बोलते हैं इसको, संकरण है ना, क्या हुआ, sp3 d2। यहाँ समझ में आ गया होगा। अगर हम इसके अब इसमें देख लेते हैं यहाँ पे कितने लोन पेयर हैं, 1 2। कितने लोन पेयर हैं यहाँ पे, 2 लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। जैसे देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला पार्टिसिपेट नहीं किया है बॉन्ड बनाने में, ये वाला भी पार्टिसिपेट नहीं किया है बॉन्ड बनाने में, ये चारों क्या है, बॉन्ड बनाने में फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किए। तो कितने लोन पेयर हैं यहाँ पे, 2 लोन पेयर है, जबकि बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 बॉन्ड पेयर है। ठीक है, तो इसका हम आगे यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर बनाने के, इसमें देख लेते हैं इसको। अगर हमसे पूछा जाए स्ट्रक्चर, ठीक है, तो अगर sp3d2 है, स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, संरचना। ठीक है, इसे क्या होगा, sp3d2 है तो ये होगा ऑक्टाहेड्रल, होगा ना, ऑक्टाहेड्रल हिंदी में क्या बोलते हैं, अष्टकोणी या अष्टकोणी या फिर अष्टभुजी, अष्टकोणी स्ट्रक्चर होना चाहिए, चतुष्कोणी अष्टकोणी स्ट्रक्चर होना चाहिए था, बट होता क्या है, इसमें कितने लोन पेयर हैं, इसमें कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं इसमें, तो 2 लोन पेयर की वजह से इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। कैसे होगा, अब देख लेते हैं हम। यहाँ पे एक फ्लोरीन क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया जीनॉन, एक फ्लोरीन हो गया यहाँ पे, एक फ्लोरीन हो गया यहाँ पे, यहाँ पे भी एक फ्लोरीन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इनके बीच एक स्क्वायर स्ट्रक्चर बनेगा, और यहाँ पे एक लोन पेयर है और एक यहाँ पे एक लोन पेयर है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, लोन पेयर को हम क्या करते हैं, शेप में लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं, लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। तो कितना ये क्या हो गया, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इतना है, इस वाला जो पोर्शन है ना, ये हमारा स्ट्रक्चर है। कैसे दिख रहा है, ये स्क्वायर प्लेनर या फिर बोलेंगे समतली वर्ग समतली वर्ग समतली स्ट्रक्चर बनता है, शेप बनता है, सॉरी स्ट्रक्चर क्या है, है ना, स्ट्रक्चर बना है तुम्हारा अष्ट ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, लेकिन शेप अगर पूछा जाए तो वर्ग सम तली या फिर स्क्वायर प्लेनर, ये वाला पॉइंट को आप याद रखेंगे, इतना पॉइंट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया यहाँ तक, वर्ग समतली ये वाला। अब हम देखते हैं अपना थर्ड, थर्ड जो कि है ज़ीनॉन F6। इसका अगर हम प्रिपरेशन देखें तो ज़ीनॉन का रिएक्शन अगर हम 3 फ्लोरीन से करा देते हैं, हाई टेम्परेचर देते हैं, तो ज़ीनॉन F6 एक प्रिपेयर हो जाता है, या फिर
ज़ीनान एफ फोर में, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किए थे, एफ टू का रिएक्शंस कराते हैं तो ज़ीनान एफ सिक्स का प्रिपरेशन हो जाता है। इसका गुण देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ये भी एक क्या होता है, रंगहीन ठोस है। इसका प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, ज़ीनान एफ सिक्स में अगर हम सिलिका डाल देते हैं SiO2 तो क्या बन जाता है, SiF4+2 ज़ीनान ऑक्सीजन के साथ ज़ीनान OF4। ये भी कंपाउंड के बारे में हम समझेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। ज़ीनान F6 में अगर हम वाटर ले लेते हैं तो क्या बन जाता है, ज़ीनान OF4+2HF बना लेता है। और इसी ज़ीनान F और वाटर, यहाँ पे अगर वाटर हम बढ़ा देते हैं 2H2 कर देते हैं तो क्या बन जाता है, ज़ीनान O3। वही एक स्फोटक पदार्थ है, पता है आपको, ठीक है। और देख लेते हैं, ज़ीनान F6 में अगर 3H2 ऐड कर दें तो क्या होगा, इस टाइप से इसका रिएक्शन होता है। एक और होता है इसका रिएक्शन प्रॉपर्टीज़ में, क्या होता है, फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर है ये, फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर है। जैसे कि ज़ीनान F6+CsF है ना, सीसीएम फ्लोराइड है, क्या करेगा, ज़ीनान F7 बना लेगा, और एक माइनस यहाँ पे सीसीएम प्लस के फॉर्म में, ठीक है। तो ये उसका प्रॉपर्टीज़ होगा, प्रिपरेशन हो गया। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसका जो मेन है स्ट्रक्चर के बारे में। ज़ीनान F6 सिंपल ग्राउंड स्टेट क्या होगा, है ना, ग्राउंड स्टेट में क्या होगा ज़ीनान का, 5P और 5D, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे कुछ नहीं है, अभी क्या है, 5S 5P और 5D। अब हम देख लेते हैं एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, वैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में चला जाएगा, तो क्या हो गया, ये एक हो गया, ये यहाँ पे क्या बचा, सिंगल 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 बचा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3, ये हो गया एक्साइटेड स्टेट में। अब अगर हम ज़ीनान में 6 फ्लोरीन एटम को ऐड कर देते हैं, है ना, किसको, 6 फ्लोरीन एटम को ऐड कर देते हैं, तब क्या हो जाता है, एक एक करके फ्लोरीन जो है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है वहाँ पे चला जाता है, कहाँ कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे एक फ्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे एक फ्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे एक फ्लोरीन आ जाएगा, फिर वैसे यहाँ पे एक फ्लोरीन आ जाएगा, यहाँ और यहाँ, तो 6 फ्लोरीन एटम आ करके क्या करता है, फुल फील्ड बना देता है, बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो जाता है, 1 2 3, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन में कहाँ से कहाँ तक भाग लिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो क्या बना, ये 1s 3p और d3, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 और d3। अगर sp3 d3 होता है तो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कितने ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 7 sp3 d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 d हो तो स्ट्रक्चर क्या होता है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, पंचभुजी पंचभुजी द्वि पिरामिडी, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्ट्रक्चर संरचना की बात कर रहा हूँ। बट इसमें होता क्या, आप इस अगर आप देखोगे है ना, ज़ीनान F6 में लोन पेयर कितने हैं, तो ये इसका एक लोन पेयर है,
ये क्या है, एक लोन पेयर है ये बचा हुआ है, तो इसमें लोन पेयर कितने हैं, वन, और बॉन्ड पेयर कितने हैं, पाँच, छः। लोन पेयर कितने, वन, बॉन्ड पेयर कितने हैं, छः। ठीक है, तो इसके थ्रू हम इसका क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। देख लेते हैं इसका शेप क्या होगा, शेप मतलब आकृति क्या होगा। देखो SP3D3 है, इसका स्ट्रक्चर होना क्या चाहिए था, पेंटागोनल बाई पिरामिडल होना चाहिए था। ठीक है, पेंटागोनल फ्लोरीन फ्लोरीन पेंटागोनल बाई पिरामिडल होना चाहिए था। जिनॉल F6 कितना हो रहा है, 6 हो गया। तो इसमें क्या होता है, एक स्पेस जो है आपका वो बच जाता है, तो इसे करके यहाँ पे क्या एक लोन पेयर है। ठीक है, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल होना चाहिए था, बट ये लोन पेयर की वजह से ये थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, विकृत हो जाता है, इसलिए इसका जो सेप होता है वो क्या हो जाता है, डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाई पिरामिडल, हिंदी में क्या बोलेंगे, विकृत पंचभुजी, विकृत पंचभुजी द्वि पिरामिडी। ठीक है, क्योंकि इस लोन पेयर की वजह से ये जो स्ट्रक्चर है, पूरा जो स्ट्रक्चर है थोड़ा विकृत अवस्था में आ जाता है। ठीक है, विकृत अवस्था में आने की वजह से क्या हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है। अगर कोई भी, अगर मान लो पूरे जैसे IF7 होता है, IF7 में क्या होता है, आई होगा 1 2 3 4 5, इधर भी आई आई रहेगा, यहाँ पे एफ रहेगा, यहाँ पे भी एफ 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 रहेगा, एफ रहेगा। तो ये क्या है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल है, बट यहाँ पे एक लोन पेयर की वजह से क्या हो जा रहा है, वो विकृत अवस्था में आ जा रहा है, डिस्टॉर्टेड हो जा रहे हैं। इसलिए आप याद रखेंगे आकृति क्या बोल, अगर आपसे संरचना पूछा जाए तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल लिखेंगे, लेकिन आकृति पूछा जाए या शेप पूछा जाए तो डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है। तो यहाँ पर एक हम ट्रिक से समझते हैं इसको, अभी हम जो पढ़े हैं, हम पढ़े हैं ज़ीनॉन F2, ज़ीनॉन F4, और हम पढ़े हैं ज़ीनॉन F6। तो यहाँ पर देखो टोटल इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें से कितने फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है, तो मान लो ये वाला चला गया, ये वाला चला गया, है ना, फ्लोरीन फ्लोरीन के साथ, तो कितने कितने बचे, 1 2 3, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन बचे, तो कितने लोन पेयर बचे, 6 इलेक्ट्रॉन है तो आपस में कनेक्ट हो, क्या बना, 3 लोन पेयर बना लिए, और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2। सिंपल से अगर आपसे पूछा जाए ज़ीनॉन F2 में कितने लोन पेयर हैं, तो 3, क्योंकि देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं जो बॉन्डिंग में नहीं बन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरिन के साथ बॉन्ड बना ले रहे हैं, तो कितने लोन पेयर हो गए, 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। स्ट्रक्चर क्या था इसका, स्ट्रक्चर्स पूछा जाए आपसे तो क्या बोलोगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, और ओरिजिनल शेप पूछा जाए तो क्या था, ये रेखीय था, लीनियर था, पहला हो गया। वैसे ज़ीनॉन F4 में 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना चला गया, 1 2 3 4 चला गया, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, लोन पेयर कितने बचे, 2, तो यहाँ पर लोन पेयर हो गए 2 और बॉन्ड पेयर हो गए 4। इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था sp3d, इसमें क्या होगा sp3d2 होगा, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल अष्टकोणी
ऑक्टाहेड्रल होता क्या ओरिजिनली, इसका सेप क्या होता है, स्क्वायर, प्लेनर, या फिर इसको बोलते हैं वर्ग समतली। एफ सिक्स में देख रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 में क्या चला गया, क्लोरीन चला गया, 6 में बचा कितना, सिर्फ इतना। तो लोन पेयर कितना है, लोन पेयर है 1, बॉन्ड पेयर है 6। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा था, sp3d3। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। सेप होता क्या है, तो डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया हो किस टाइप से आप निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन, और कितना लोन पेयर है कितना बॉन्ड पेयर आप इजी वे में फाइंड कर सकते हो, जैसे कि मैंने बता दिया। आप हाइब्रिडाइजेशन भी देख लिए, स्ट्रक्चर और सेप में डिफरेंस क्या है भी मैंने बता दिया। ठीक है, आप याद रखेंगे सेप में लोन पेयर को पार्टिसिपेट आप नहीं करोगे, लोन पेयर को पार्टिसिपेट नहीं करोगे जो भी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ज़िनान के ऑक्साइड्स बनाएंगे, देन ज़िनान के ऑक्सी ऑक्साइड के बारे में। तो इससे हमारा ये पूरा जो ज़िनान केमिस्ट्री ऑफ नोबेल गैसेज ये कम्प्लीट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।